Question number 9 is verify Green's theorem plane where 4x square plus 2y square dx plus 4xy plus e power y dy, where we have y is equal to x square and y is equal to square root x. ठीक है, इसके लिए हम एक ऐसी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. एक सेमी सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये रीजन, ये काउंटर, आपको एक काउंटर ये नज़र आएगा और एक काउंटर यहाँ से ऐसे नज़र आएगा. ठीक है, सो काउंटर वन सी वन आपके पास है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू. इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम लिखेंगे फॉर काउंटर वन एंड काउंटर टू. तो फॉर काउंटर वन वी हैव द वैल्यू 4x² प्लस 2y² और f2 की वैल्यू हमारे पास ये है. क्योंकि हम काउंटर वन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्योर है, उसका डेरिवेटिव ये है. सिंप्लीफाई, जस्ट सिंपली इसकी वैल्यूज पुट करें लाइक दिस वन, और क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव इसके कॉमन लेके सिंप्लीफाई किया, इसमें लिमिट अप्लाई करें 0 to 1. सो वी हैव इक्वेशन 7/3 प्लस ई. इसी तरह C2 के लिए हम इसका देखेंगे, अगेन हम वैल्यूज पुट करेंगे. यहाँ पे C2 के लिए हमारे पास x इज इक्वल टू y2 है, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो 2y dy का. अगेन वैल्यूज पुट करें, लिमिट्स लें इसकी, तो आपके पास आंसर आ जाता है -7/3 माइनस ई. तो दोनों C1 और C2 की जो वैल्यू हमारे पास आंसर आए हैं उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. ठीक है, इसमें पुट करेंगे दोनों में तो आपके पास आंसर आ जाता है, क्योंकि ये -7/3 ई था और ये 7/3 प्लस ई था, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो डबल इंटीग्रल रीजन आर, अगेन वी हैव इक्वेशन पार्शियल f2/partial x माइनस पार्शियल f1/partial y dx dy. ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है, इसकी लिमिट है 0 to 1 और इसकी x² √x है. ठीक है, यहाँ पे आपने f2 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट की, इनका पार्शियल डेरिवेटिव लिया, यू हैव आंसर 4y - 4y जो कि एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं और आंसर आपके पास 0 हो जाएगा. तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, तो ये आपके पास क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा.